करते हैं क्या जीएसटी सबसे पहली बात सर कोई भी एक्ट कोई भी टैक्स कोई भी टैक्स चार्ज होने से पहले एक चार्जिंग सेक्शन होता है सर उसके अंदर जिससे पता पड़ता है कि वो टैक्स चार्ज कौन सी एक्टिविटी पे होगा उस चार्जिंग सेक्शन उस सेक्शन को बोलते हम चार्जिंग सेक्शन क्या बोलते हैं सर हम चार्जिंग सेक्शन क्लियर और कोई भी एक्ट या कोई भी रूल जब नया बनता है तो उसका सबसे पहला रूल नंबर वन या एक्ट है तो सेक्शन नंबर वन होता है क्या एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी बेटा हां है ना भाई इसका नाम क्या होगा एक्ट का सर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 कब से एप्लीकेबल होगा बेटा 1 जुलाई 2017 कहां अप्लाई होगा सर सीजीएसटी एक्ट कहां अप्लाई होगा मालिक पूरे एंटायर इंडिया में अप्लाई होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 नहीं 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 रुको क्लियर जब फर्स्ट सेवन को जीएसटी आया तब आर्टिकल 370 था बेटा और वहां पे उस उस आर्टिकल की वजह से ये हुआ करता था कि जम्मू एंड कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्र का कोई भी एक्ट अप्लाई तभी होगा जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्क्रस मिलेगी सर मतलब वहां की स्टेट गवर्नमेंट बोलते नहीं हम पे अप्लाई नहीं होगा तो नहीं होगा सर्विस टैक्स पता है पूरे इंडिया में अप्लाई होता था 1994 से, एक्सेप्ट जुलाई आठ जुलाई टू थाउजेंड सेवनटीन को जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके सर ये एक्ट पास हुआ और जम्मू एंड कश्मीर भी अप्लाई किया बेटा क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स था बेटा अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो लॉस उनको होने वाला था सर क्लियर इसलिए महबूबा मान गई और ऐसे केस में बात, बात बच्चों ओके okay, ये था आपका सेक्शन नंबर वन सेक्शन टू में डेफिनेशन होती है जैसे वहां देख लेंगे सर आइए सर। सरकार अब हम डायरेक्ट चल रख चार्जिंग सेक्शन पे जो है सेक्शन नाइन अंडर जीएसटी बेटा यस मैडम हाँ हाँ मैं पूछने वाला था बीच में भूल गया एसी एसी कंफर्टेबल है या कम करना है कुछ ठंड लग रही है ओके ओके सर चार्जिंग सेक्शन शुरू करें हम सेक्शन नंबर नाइन सर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन वन चार्जिंग सेक्शन कहता है साहब ध्यान से सुनना ध्यान से अच्छा जितना इफेक्टिव लिसनिंग करोगे उतना मजा आपको भी आएगा उतना मेरे को भी आएगा सर क्योंकि आपके चेहरे पर खुशी देखता हूँ तो मुझे मजा आता है सर एक्चुअली सर ध्यान से पहले एक्चुअली ये बैच में उदयपुर ही रिकॉर्ड करने वाला था स्टूडियो में अपने फिर मैंने सोचा यार एक काम करते हैं फेस टू फेस ही चलते है वहां मुंबई क्लियर क्योंकि यहाँ का जो फील है ना सर साथ आमने सामने पढ़ने का वो अलग ही है और उसी का रिकॉर्डिंग जब होता था उसका मजा आ जाता है सर सुनना ध्यान से सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन वन सेक्शन नंबर सी जी एस टी शेल बी लेवेड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोलिकर फॉर अब कंजन अच्छा एल्कोलिकर में बोलना एल्को लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एल्कोलिकर का इंडस्ट्रियल यूज भी बेटा मेडिसिन केमिकल्स अरे हा ना दवाई वगैरह में कहााना बेटा बहुत साल लोग दारू दबाए बेटा क्लियर है सर सो लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बोलने का बच्चों सो सी जी एस टी विल्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसाइड बाई द गवर्नमेंट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी एस टी देखो जीएसटी काउंसिल रेट बताएगा जो रेट वो बताएगा वो सी लगाएगा और जो नोन बताया वही हर स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगा सर हाँ ना मालिक ठीक है सर

क्लियर समझे मेरी बात पर यह मत समझना कि इन पे कुछ भी नहीं लगता है बेटा सर घूम झूम लो इन दोनों पे जो पुराने हैं बेटा क्लियर समझे मेरी बात पर जीएसटी नहीं लगता हूं है, है बेटा सी जी एस टी विलेब इंटर स्टेट सप्लाई सेम सेक्शन आई जी एस टी एक्ट में सेक्शन फाइव रखा बेटा वहां लिखा है आई जी एस टी विलेड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई इंट्रा है तो सी और एस क्योंकि एस में भी, भी सेम सेक्शन बेटा इंटर है तो आई मैक्सिमम रेट विल बी फोर्टी परसेंट बेटा बाकी सेम एक मिनट मतलब इंट्रा हो या इंटर हो जीएसटी कब लगेगा बेटा सप्लाई इंटर हो या इंट्रा हो, हो। सीजीएसटी और एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो अरे भाई जीएसटी लगेगा कब सप्लाई पर सो द तो

ध्यान से हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो तो पर्सन ही है और जो रजिस्टर्ड नहीं है पर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है वो भी टैक्स पर्सन बेटा फॉर एग्जाम्पल मान लो सर क्या नाम हुशेफा. सर हुई में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है पर रजिस्ट्रेशन कराया नहीं हुआ बट स्टिल टैक्सेबल पर्सन मतलब आप जो सप्लाई कर रहे हो सिंस यू आर लाइबल यू आर अ टैक्सेबल पर्सन आप पे चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है मतलब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो ये मत समझना, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे लेंगे विद बैंडा बारात बैंड मतलब टैक्स बाजा मतलब इंटरेस्ट एंड बारात मतलब पेनल्टी है हाँ ना भाई सर सो यू आर अ टैक्सेबल पर्सन सेकंड थिंग समझना आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो तो मैं टेक्सपर्ट पर्सन हुई हूँ बेटा पर मान लो आप क्या नाम बेटा शेफाली सर यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन पर इन्होंने वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन लिया बेटा इन्होंने वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया बेटा अच्छा पर रजिस्ट्रेशन तो ले लिया ना बेटा टेक्सपर्ट पर्सन मीन्स पर्सन हुईज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी सो इवन इफ यू आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन पर सिंस यूर दर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी तो यू आर टेक्सबल आप और आपको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा भले ही आपका टर्न ओवर थ्रे लिमिट क्रॉस नहीं किया क्लियर सर्विस टेक्स एक्साइज में ऐसा नहीं होता था बेटा पर जीएसटी के अंदर जैसे ही वॉल्ड्री रजिस्ट्रेशन भी आपने कराया आप जीएसटी लगना चालू हो गया ओके okay, बच्चो क्लियर अच्छा ये कहां से पता पड़ा आपने को ठीक है बात कर ली, वो पांच जीएसटी अभी नहीं लगे। गौर्म, बताएगा, तब लगेगा सर सर अभी नहीं लगता है सर, subsection three, subsection four, ये दोनों किसके रिवर्स चार्ज सेक्शन फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का है बच्चों सर मैं बोल देता हूँ भले ही पर मैं इनको तीनों है इनका मैंने सेपरेट चैप्टर देखा चैप्टर सेवन तब बात करूंगा इसके बारे में क्लियर अभी केवल बोल रहा हूँ समझा नहीं रहा बेटा सेक्शन नमन... वन ताकि आपको ये लगे कि हां को याद तो है सर सेक्शन नमन... <laughs> सेक्शन नाइन ना सब सेक्शन थ्री बोलता है क्या गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल देखो बेटा जहां पे भी आ गया ना गवर्नमेंट के पास पावर है वहां हंड्रेड परसेंट जीएसटी काउंसिल लिखा ही होगा वरना डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ कर दे तो दादागिरी लगा देंगे बेटा फिर तो इसलिए हर जगह जीएसटी काउंसिल लिखा ही होगा जीएसटी के अंदर ये होता है डेलीगेटेड पावर्स बट डेलीगेटेड पावर्स आर सब्जेक्ट टू जीएसटी काउंसिल

वसूली करो और जितना वसूली करोगे उसका एक परसेंटेज आपको कमीशन मिल जाएगा सर सो so, वसूली भाई रिकवरी एजेंट आर प्रोवाइडिंग सर्विस क्लियर अब सर उनकी सर्विस पर कमीशन मिलेगा उनको फीस मिलेगा सर उनको बैंक इज द सर्विस रेसिपेंट वसूली भाई इज द सर्विस सर्विस सप्लायर अब वो दुनिया से टैक्स दुनिया से रिकवरी कर रहे है बेटा क्या आपको लगता है वो टैक्स पे करेंगे क्या आपको लगता है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे अब वो अगर टैक्स पे नहीं करेंगे सोचो बैंक ने उनके कमीशन पे टैक्स उनको दे दिया होता और वो रिकवरी एजेंट वसूली भाई गवर्नमेंट को तो टैक्स पे नहीं कर रहे दो ऑफिसर रिकवरी करने गए आए नहीं सर <laughs> गवर्नमेंट गोला हमसे ना हो पाएगा सर, हम से टैक्स नहीं ले पाएंगे बैंक को बोले बैंक तुम जो सर्विस टैक्स जीएसटी है तुम उनको दे रहे मत हम तुमसे लड़ेंगे साहब क्लियर और रि, रिवर्स चार्ज लगा दिया और बैंकिंग कंपनी इस लाइबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट डायरेक्टली रिकवरी एजेंट ने दी बैंक हाँ है so, लॉजिक में यार ठीक है सर हर इंडस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत है मैंने तो एक एग्जांपल आपको बताया कि सो देट आपको ध्यान रहे कि हाँ यार, हमको किस विजन के साथ पढ़ना है सर। अरे क्लियर समझे और गवर्नमेंट ने इसी कारण से रिवर्स लगाया है हाँ, गुड्स केस में भी कुछ रिवर्स आ जाए वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है सर्विसेज की लिस्ट हम बाद में पढ़ेंगे ये था सेक्शन नंबर बोलता है क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन से किससे सर अगर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है जो नोटिफाइड केवल बिल्डर बेटा प्रमोटर उसने अगर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज किया है किससे परचेज किया बिल्डर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से है, कैपिटल गुड्स है कुछ अदर गुड्स भी, भी बेटा अगर उसने परचेज किया तो रिवर्स में उस बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा सर? सर, तो लोग क्लियर अब उसको आईटीसी मिलता नहीं था बेटा बिल्डर को क्या है फ्लैट वगैरह बना के जब बेचता ना बेटा वो तो उसपे फाइव परसेंट टैक्स बेटा और उस पर आईटीसी उसको नहीं मिलता है तो जानबू क्या करता बेटा अब खर्चा तो दिखाना इनकम टैक्स में तो अनरजिस्टर्ड लोगों से लेता था बेटा अनोज पार्टी से क्लियर तो गवर्नमेंट क्या कर के? लगा दिया लगा में ये रीजन उसके का क्लियर सर वो हम पढ़ेंगे बाद में बेटा क्लियर चैप्टर नंबर सेवन के टाइम पे बेटा ओके ये केवल बिल्डर के लिए क्लियर नाइन फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सर गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो कुछ सर्विसेज नोटिफाई कर सकता है कुछ सर्विसेज नोटिफाई कर सकता है और सर्विसेज नोटिफाई करके बोल सकता है क्या ये नोटिफाइड सर्विसेज एट प्रेजेंट चार सर्विसेज ही है बेटा ये नोटिफाइड सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ सर्विसेज ईसीओ क्या मान लिया बेटा इसलिए नाइन फाइव फॉरवर्ड चार्ज मैकेज में नाइन फाइव रिवर्स चार्ज मैकेज में नहीं है बच्चों और में होता करने के क्लियर इसलिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं नाइन फाइव को एक्साम्पल देता हूं स्विगी का बेटा बेस्ट एग्जाम्पल स्विगी आज मान लो मैं क्या बनाता तो हूं बेटा सैंडविच अभी बेटा ब्रेक में ही करता हूं कहा सो so, अब मैं सैंडविच जो बनाता हूँ के थ्रू ऑर्डर किया बेटा क्लियर अब मैंने सैंडविच बनाया है स्विगी ने आपके घर पे डिलीवर कर दिया अब सर गवर्नमेंट अच्छा एक्चुअली रेस्टोरेंट सर्विस सर्विस में दे रहा बेटा बेटा आप हो और आपने स्विगी के थ्रू स्विग्री थ्राया जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसने आपको और मेरे को मिलाया है बेटा क्लियर तो सर गवर्नमेंट ने बोल दिया दे क्या देख रेसिपेंट तुम तो एंड कंज्यूमर बच्चो तुमसे टैक्स गवर्नमेंट ले नहीं पाएगी मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा नहीं बेटा क्लियर सर सैंडविच वाला कहा टैक्स देगा यार इसलिए गवर्नमेंट बोल दिया ईसीओ तू तो समझदार है यार? और इसको पे करना पड़ेगा भाई हा है क्लियर तो सर ये एक, चार सर्विसेज हम पढ़ेंगे बाद में बेटा ये था सेक्शन नंबर नाइन क्लियर समझे मेरी बात डन तो था ये क्या पूरा सेक्शन नंबर नाइन हमने बात करी नाइन वन चार्जिंग सेक्शन बेटा नाइन टू पेट्रोल गुड्स बेटा नाइन थ्री नाइन फोर रिवर्स चार्ज नाइन फाइव ईसीओ बेटा हा है ना भाई अच्छा जो सेक्शन नंबर नाइन है हमारे सीजीएसटी एक्ट में वही सेक्शन नंबर नाइन हर एस जीएसटी एक्ट में भी बेटा रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के लिए बेटा एंड सेम सेक्शन नंबर है आईजीएसटी एक्ट के अंदर बस वहां पे इंटर स्टेट सप्लाई लिखा है बेटा मैक्सिमम रेट कैन बी फोर्टी परसेंट लिखा है बेटा बाकी एब्सोल्युटली प्रोविजन सेम ओके मालिक क्लियर तो सर इंट्रा हो या इंटर हो इंट्रा हो या इंटर हो सर जीएसटी लेवी कब होगा लेवी मतलब चार्ज कब होगा टैक्स लगेगा कब इसलिए चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं बेटा इसको क्लियर तो सर अब हम पढ़ेंगे क्या सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन नंबर सेवन दिल थाम की देखिएगा सर सेक्शन नंबर सेवन आ रहा है आपके सामने सर क्या अब क्या पढ़ रहे हैं हम अच्छा समझ मारा बच्चों आपको ये पक्का एब्सोल्युटली परफेक्टली बेटा ब्रेक चाहिए बेटा आपको ब्रेक चाहिए तो बोल देना बेटा देखेंगे उस टाइम पे सर सुनना supply <clears throat> section number 7 subsection 1 section number 7 subsection number 1 ओके सर सप्लाई सेक्शन नंबर सेवन ये मैंने इसका एक स्ट्रक्चर इस तैयार तो कर दिया सर क्या सप्लाई में क्या क्या आता है सर सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन से लेकर सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन थ्री उसमें क्लोज ए और क्लोज बी और फिर फुल स्टॉप लास्ट में ओके सर अभी बात करें क्या सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन वन सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए डबल ए बी और सी और डी लिख के मैंने काटा है क्योंकि सर ओमिट हो गया था और वो बन के सबसेक्शन वन ए बन गया था बेटा ठीक है बात करेंगे बाद में सर अभी क्लोज नंबर ए बी सी ए डबल ए बी और सी ओके अच्छा चलो सर सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए बी सी डबल ए बी ए बीच में अब डबल ए नहीं बोल रहा बेटा में सप्लाई इंक्लूड्स ए बी सी मतलब सप्लाई मींस एबीसी लिखा है क्या बेटा अगर सप्लाई मीन्स एबीसी लिखा होता मतलब तुम ही हो माई लाइफ मीन्स यू माई लाइफ इंक्लूड्स यू जब आग मेरी लाइफ में तुम भी हो <laughs> सर हा क्या लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब तुम भी हो मेकर सो स्मार्ट कि एक, एक एक वर्ड को ध्यान से लिखा है सोच समझ के लिखा है क्योंकि उनको पता है कि लोग को यूज़ करने वाले कौन देश के लोग हिंदुस्तानी क्लियर अगर कोई लकुना छोड़ दिया तो हमको वो छोड़ेंगे इसलिए इन्होंने क्या लिखा है वैसे बात करें तो क्लोजमर ए डबल ए बी और सी में सब कुछ आ गया है बेटा कुछ छोड़ा ही नहीं सर इन्होंने पर फिर भी अगर गलती से कुछ रह गया तो इंक्लूड्स इसका स्कोप लिमिटेड नहीं किया क्लियर सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए डबल ए बी सी ओके सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए बहुत काम का सेक्शन है सर 90 परसेंट केस एट परसेंट केस इसमें आ जाएंगे सर क्लोज नंबर ए में भाई कुछ बचे भी क्लोज नंबर डबल ए बी और सी बस क्लियर आप जो रोज ट्रांजेक्शन देखते हो ना सर वो सब क्लोज नंबर ए में सर सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल वेरी गुड बेटा क्योंकि बताए केवल गुड्स टैक्सेस मर्ज नहीं हुआ बेटा सर्विस भी मर्ज हुई है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई भी सच एज ये भी सच एज केवल एग्जाम्पल सच एज सेल एक्सचेंज बार्टर, ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वेन सच मेड और बी मेड बाय पर्सन फॉर अ कंसीडरेशन इन द कोर्स और फर्दर बिजनेस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सेल ये मार्केट मैंने आपको सेल किया बेटा फोर पीस टेन थाउजेंड दिस एक्सचेंज होता ना आप जब नया मोबाइल फोन लेने गए तो उसने बोला तो फिफ्टी थाउजेंड का नया फोन है पर अगर आप कोई भी कंपनी का स्मार्टफोन हमको अगर देते हो एक्सचेंज में तो आपका जो प्राइस है वो फोर्टी फाइव थाउजेंड हो जाएगा मैंने आपको इंडा टेक्स पढ़ाया बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टेक्स पढ़ा दिया बेटा दोनों बार बात सर सर दिस इज कोल्ड बार्टर सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर मैंने अपने बिजनेस के एसेट्स आपको ट्रांसफर कर दिए क्लियर सर सेल एक्सचेंज ट्रांसफर लीज़ ऑपरेटिंग लीज़ लीज़ लाइसेंस लाइसेंस लैंड या फिर मैंने आपको सॉफ्टवेयर यूज करने का लाइसेंस दिया बच्चे रेंटल ये बिल्डिंग रेंट पे ली मशीन रेंट पे दी गुड्स रेंट पे दिए हा है ना भाई और डिस्पोजल बिजनेस के सारे एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिए क्लियर सर समझे मेरी बात ओके ऑफ वॉट गुड्स और सर्विस और बोथ बेचो, भले बेचो या दोनों और लिखा है, इनका बेचो वैसे और बहुत का नहीं क्योंकि और की की में तो और बोथ नहीं भी लिखते चल जाता बच्चा पर ठीक है सर सेफ्टी के लिए गुड्स और सर्विस और बहुत बाय अ पर्सन अच्छा पता है पर्सन की डेफिनेशन में पर्सन इंक्लूड्स अगेन मीन्स नहीं है पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल एच यू एफ पार्टनरशिप फर्म एल एल पी बॉडी कॉरपोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी एनी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियलिटिकल पर्सन और भी दो चार लोग लिखे बेटा और वो भी इंक्लूड्स है समझे मेरी बात मतलब किसी को छोड़ा नहीं सर मतलब गवर्नमेंट भी सर्विस दे रही है अगर भले वो सॉवर एक्टिविटी है वो भी सप्लाई के स्कोप में आ रही है वो बात अलग है बाद में मेगा एग्जीबिशन में उनको एग्जाम किया हुआ बेटा देखो एग्जाम करने की बात कबाई जब लेवी हो रहा है अगर वो पर्सन में नहीं आता बेटा तो लेवी कैसे होता करेक्ट डन सर तो सर पर्सन. वेन सच सप्लाई अच्छा मैं बुक का वो डेफिनेशन ओपन चलेगा ना सर समझ मारा ना आपको मेरा है ना सर मैं चाहता हूं आपका ध्यान मेरी तरफ रहे सर तो क्या फिट हो जाएगा सर वो पढ़ते रहेंगे ना सर तो वो दिल तक बात नहीं पूछेगी सर सर वेन सच सप्लाईज सप्लाई कर दिया या सप्लाई करने के लिए एग्री कर दिया तो भी सप्लाई हो गया सप्लाई इंक्लूड्स अच्छा मैंने आपको मार्केट बेच दिया तो, तो सप्लाई है ही है बेटा मैंने मार्केट मार्केट बेचने के लिए आपको एग्री किया वो भी सप्लाई हो गया मतलब एडवांस पेमेंट ले लिया मैंने आपसे बेटा आपने इस बैच के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही कर दिया था सर लग गए जीएसटी <laughs> <GST. laughs> <laughs> <laughs> सर ध्यान <coughs> देना बच्चों दो मिनट अभी मेरे को दो मिनट लगेंगे सर समझाना है गलती करते बच्चे कुछ एग्जाम में इसलिए अच्छा मुझे आ, अब हर पॉइंट को ध्यान से सुनना बच्चों कहाँ गलती होती है एग्जाम्स में क्या होता है कई बार आ, हम भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते गलती कहाँ हो रही एग्जाम्स के अंदर कई बार ऐसा होता है तो कई सारी माइन्यूट चीजें ऐसी होती है जो क्वेश्चन में होती है पर अपने पता नहीं होता कि वो है भी क्या कई बार होता है <coughs> तो सर एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको इसी पॉइंट के लिए <coughs> 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 सर 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 गुड्स हो या सर्विसेज हो क्या बोला सर वेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड मतलब अगर आपने सर्विसेज या गुड्स सप्लाई कर दी वो तो सप्लाई है ही है अगर गुड्स सर्विस के लिए आपने एडवांस रिसीव कर लिया वो भी सप्लाई हो गया जैसे सप्लाई हो गया जीएसटी लग गया आपने सुना होगा देखा होगा सर्विसेज के केस में एडवांस रिसीव होने पे लगता है सर्विस टैक्स पर गुड्स के केस में एडवांस रिसीव होने पे जीएसटी लगता है लगता है पर टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर ट्वेल्व और थर्टीन यही से लिंक हुए बेचा टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर ट्वेल्व इज फॉर गुड्स थर्टीन इज फॉर सर्विसेज उसका सबसेक्शन है बेटा उसको यूज करते हुए एक, एक नोटिफिकेशन इशू किया जब जीएसटी नया नया आया था तब बेटा और नोटिफिकेशन इश्यू करके बोला क्या कि गुड्स केस में ध्यान से सुनना बच्चों ध्यान से सुनना पता है चार्जिंग सेक्शन सॉरी सप्लाई का डेफिनेशन जो है उसमें तो गुड्स हो या सर्विसेज हो दोनों के लिए अग्रीड सप्लाईज मेड और अग्री टू मेड लिखा है सप्लाई हो गया और टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर ट्वेल्व इज फॉर गुड्स उसके सबसे टू जो मेन सबसेक्शन है उसमें क्या लिखा है पता टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर ये अभी भी लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट ये गुड्स में भी लिखा है पर एक नोटिफिकेशन इश्यू करके बोल दिया क्या और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मतलब एडवांस ऑफ रिसीव होता ना बेटा विच इज अर्लियर गुड्स केस में एडवांस अगर आपको रिसीव होता है तो उस पर टैक्स पे करने की जरूरत टैक्स पे करने की जरूरत नहीं बच्चा लग तो गया है सप्लाई तो हो गया है वाह वाह मतलब सप्लाई तो हो गया हमने एहसान किया पे टैक्स मत देना अभी आप बाद में जब बिल इश्यू करोगे जब गुड सप्लाई करोगे तब टैक्स पे कर देना मतलब पता है क्या हुआ है फॉर दी दर्पज ऑफ जीएसटी अगर गुड्स के रेस्पेक्ट में टेन लाख रुपए का मेरे को एडवांस रिसीव हुआ है गुड्स के रेस्पेक्ट में मेरे को लाख एडवांस रिसीव हुआ मतलब सप्लाई हो गया पर उस पर टैक्स पे करने की जरूरत मतलब वो दस लाख रुपए मेरे टर्न का पार्ट बनेगा वो दस लाख रुपये मेरे टर्न का पार्ट बनेगा समझे मेरी बात

समझा मेरी बात तो वो मैं कोशिश करूंगा इस बैच के अंदर ये सारे इस तरह के पॉइंट जो नॉर्मली हमको कवर नहीं हो पाते हाँ नहीं कर पाती कई बार हमको तो मैं कोशिश करूंगा फोकस दे क्या आपको पढ़ा हाँ ना भाई ओके तो सर मेड और और पता है चीजों को जब लॉजिकल पढ़ोगे ना आप सर तो क्या उसको याद नहीं करना पड़ेगा वो याद अपने आप हो जाएगा सर आपको आपको समझ माना चाहिए बस कि अच्छा ओके ये रीजन है क्या क्लियर क्योंकि सर यू नो प्यार क्या नहीं जाता प्यार तो बस सर <laughs> पॉइंट मेरा आपसे ये इसलिए चीजों को समझो आप याद नहीं करना पड़ेगा याद अपने आप हो जाएगा सर आपको ओके कितना याद करेंगे सर इतना तो है अपना दिमाग कितना है सर कितना याद कर लेंगे हम लोग नहीं याद करने का क्लियर चीजों को समझो सॉल्व करो उसको ऐसा नेचुरल बना दो ऑब्वियस बना दो सर कि हाँ तो नॉर्मल है अपना निकले आपके दिल से ओके सर सप्लाईज़ मेड और बाय पर्सन फॉर अ अब इसका ऑपरेशन सर सप्लाई शुड बी फॉर अ तो सप्लाई है वरना सप्लाई नहीं है ओके संतोष भैया मेरी तरफ ध्यान रखो सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई है कंसिडरेशन के लिए काम नहीं किया तो सप्लाय प्रो क्यों कुछ पाने के लिए कुछ आपने दिया है <laughs> है ना सर तो वो सप्लाय है वरना सप्लाई नहीं है समाज सेवा करी नहीं, नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी की हेल्प करी है सर नीचे वो सप्लाई नहीं है ऑब्वियसली पर सर आपने फीस के लिए काम किया प्लीज सर होता है मैं को दो तीन बार रिपीट करूंगा बेटा पर वो चीजें यहां फिट होनी चाहिए सर यहां तक सर कंसीडरेशन के लिए काम किया देखो वर्ड्स एकदम फिट हो जाने सर जो मैं बोल रहा हूं सर क्योंकि ये वर्ड्स ही आपको अप्लाई करने प्रैक्टिकल केस में सर क्लियर पहले लोग को अच्छे से समझ लो दिल तक उतार लो वर्ड्स को फिर अप्लाई करना फिर मजा आएगा सर आपको सर कंसीडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई है कंसीडरेशन के लिए काम नहीं किया तो सप्लाई नहीं है सर आपने सर मंदिर में डोनेशन दिया भगवान इस बार तो पास कराई देना सर क्या फीस दी भगवान को क्या वो लाइबल है जीएसटी पे करने के लिए क्या भगवान ने सर्विसेस दी है क्या मंदिर ने सर्विसेस दी है नो इट इज नॉट सप्लाई एट ऑल पर उस चैरिटेबल ट्रस्ट ने बोला कि यहां पर एक बहुत मेगा इवेंट हो रहा है बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जहां लाखों लोग आएंगे अभी आप कहो तो आपके बिजनेस का नाम यहां लिख दू आप ये काम करते हो कस्टमर आना चालू हो जाएंगे आप हाँ हाँ लिख दे पचास लाख लगेंगे बस आप नोला डन उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को उस मंदिर को उस ट्रस्ट को उस हॉस्पिटल को उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आपने फिफ्टी लाख रुपए दिए अच्छा उसने फिफ्टी लाख रुपए लिए क्यों उसने ऑब्लिगेशन लिया क्या अब आप मुझे बताओ वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा आएगा कि नहीं आएगा साहब बिल्कुल आएगा उस पचास लाख पे जीएसटी लगेगा ये सप्लाई किया है उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने बेटा क्लियर पर सर मान लो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने सर वहां पे कोई नई बिल्डिंग बन रही है उसकी ट्रस्ट की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्कूल वगैरह में वहां आपने बोला नहीं यार अच्छा बिल्डिंग बनाओ हमारे एनुअल जनरेशन यहाँ पड़ेगी इसका एक रूम जो बनेगा उसका जो खर्चा वो मैं दूंगा दस लाख रुपए लगे आपने दस लाख रुपए दिए उनको और उन्होंने वो रूम बनाया और रूम के बाहर उन्होंने जस्ट तो शो देयर ग्रेटिट्यूड जस्ट आपको थैंक यू कहने के लिए लिखा कि मिस्टर एक्स वाई जेड के को थैंक यू जिसने ये रूम बनवाया होता ना सर कई बार ऐसा अब बताओ वो दस लाख रुपए जो दिए आपने वो सप्लाई मांगे गया सर

तो आप तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है ना बेटा अपने दिल से पूछो क्या आपने फीस के लिए काम किया है अगर यस तो सप्लाय नहीं सप्लाय नहीं है आपने कोई ऐसा काम किया शानदार कि पापा ने खुश होकर आपको पांच लाख रुपए दिए बेटा क्या सप्लाय क्या सप्लाय नहीं पर सर अगला काम करने के लिए आपने बोला पापा को पापा फीस चाहिए दस लाख रुपए की पापा बोला मेरे से फीस पापा हाँ। पापा कर, कर लिया फीस के लिए पापा ने बोला आप काम हो गया फिर जा खेल चल निकले कोई फीस नहीं दिया बेटा अब बताओ जो दस लाख रुपए का बिल आपने रेस किया पापा, पापा पर बेड डेप्ट सप्लाई है कि नहीं मुझे बताओ है कि नहीं है, है। क्यों कंसिडरेशन के लिए काम किया बिल इश्यू किया आपने बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बेटा आपने एग्रीमेंट साइन किया है सप्लाई कंसिडरेशन के लिए आपने सप्लाई किया था यस वो सप्लाई है मतलब आप बैंक अकाउंट देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सप्लाई है कि नहीं है क्योंकि यही फर्स्ट केस है मैंने पांच लाख रुपए जो पापा ने गिफ्ट दिया आपको बेटा वो सप्लाई नहीं था क्यों कोई फीस नहीं मिली बेटा आपको हा है ना भाई क्लियर सो so, केवल बैंक अकाउंट देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा क्योंकि जो पैसा आ रहा है जरूरी नहीं कि वो फीस हो और कुछ पैसा जो नहीं आ रहा है वो सर जरूरी नहीं कि वो कुछ भी नहीं था वो फीस हो सकती सर जो बेड बेडपी है मतलब बेड भी जीएसटी लगता है बच्चों हाँ ना भाई क्लियर समझा मेरी बात बच्चों क्लियर सप्लाई शुड बी बच्चे एंड इट शुड बी इन दी कोर्स और फर्दर एंस बिजनेस इट शुड बी इन कोर्स और फर्दर ऑफ इज बिजनेस मतलब क्या है सर बिजनेस लिए होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सर मेरा ज्वेलरी का शोरूम है सर मैं ज्वेलरी बेच रहा हूँ फॉर अ कंसिडरेशन यस सप्लाई है पर सर मान लो मेरा कोई ज्वेलरी का शोरूम वगैरह नहीं मैं तो कोचिंग पढ़ाता हूं साहब हालात ऐसे आ गए सर ज्वेलरी बेचनी पड़ गई दूसरी ज्वेलरी थी सर अब मान लो मैंने अपने घर की ज्वेलरी बेच दी सर कार बेच दी क्या सप्लाई कार मेरी पर्सनल अकाउंट में थी बेटा है ना बिजनेस नाम में नहीं बेचो हां जी सर मैंने अपने घर की पर्सनल ज्वेलरी बेच दी सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर फोर इज इट इन दी कोर्स ऑफ फॉर ऑफ बिजनेस एजेड इन दी कोर्स फॉर ऑफ बिजनेस नो सप्लाई एंड नो बी चार्ज बेटा

प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम में तो ठीक है पता नहीं क्या आएगा सर सप्लाई सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन क्लोज नंबर ए सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वोट गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस तो सप्लाई है सप्लाई नहीं क्लोज नंबर ए के हिसाब से सप्लाई तभी होगा सर देखना बुक में संतोष भैया क्लोज नंबर ए के हिसाब से वो सप्लाई तभी होगा जब सप्लाई फॉर प्लस इन दी कोर्स और फर्दर ऑफ हिज बिजनेस तभी वो सप्लाई होगा वरना वो नव सप्लाई नहीं होगा लास्ट में दिख रहा है सर आपको पका क्लोज नंबर डबल है मान लो हम सब ने मिलकर एक क्लब बना दिया सर फ्रेंड्स क्लब माहौल क्लब सर एक जॉइंट वेंचर बना दिया सर हमने हाँ ना सर और हमने सोचा हर महीने मिलेंगे पार्टी शार्टी करेंगे माहौल बनाएंगे सर एंड जो भी टैक्सेशन वगैरह में अपडेट होंगे वो सब प्रोफेशन के अपडेशन भी अपडेट कर लेंगे सर हम पैसा कैसे से आएगा हम सब ने सोचा हर महीने हम एक करेंगे सर मेंबरशिप है हाँ ना मान लो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मान लो हमारा 2000 रुपी क्या? तो दो हजार रुपए आपको सर्विस दे रहा है बेटा हर महीने मिलने की सर डांस पार्टी हो रही माहौल जबरदस्त शानदार खाना बन रहा है क्लियर तो क्लब इज प्रोवाइडिंग सर्विस आप फीस दे रहे हो बेटा क्लियर इज कॉल्ड सप्लाई सर्विस बाय क्लब टू यू क्लियर उस उसपे क्या लग जाएगा बच्चों जीएसटी हा है ना अब मान लो सर ये क्लब का हिसाब कौन रखेगा ये सारा काम कौन करेगा उसके लिए दो मेंबर ने बोला कि साहब हम ये काम कर देंगे और उन्होंने बोला कि हम हमारी फीस लेंगे रुपीज मान लो वन लाख like रुपये पर एन एम बोला डन सर नाउ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस में सर्विस बच्चों मतलब कुल मिला के ऐसा हम नहीं बोल सकते हम ही तो खुद को सर्विस दे रहे हैं खुद ही खुद को सर्विस दे रहे खुद ही खुद पे टैक्स लगाया क्या मतलब ऐसा नहीं है सर यहां पे साफ साफ क्लोज मोटर में लिख दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल एओपी बीओ और उसके मेंबर्स दो डिफरेंट पर्सन कहलाएंगे दो सेपरेट पर्सन कहलाएंगे और उन्होंने अगर आपस में ट्रांजेक्शन किया तो सप्लाई के स्कोप में आएगा इफ फैक्ट एक्सप्लेन लिखा कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग एनी ऑफ ऑफ द कोर्ट ट्रिब्यूनल या एनी अदर लो उसमें क्या लिखा है कंसर्न नहीं है फॉर दी पर्पज ऑफ जीएसटी दोनों को दो सेपरेट पर्सन मानना है बेटा क्लियर और क्लब और एओपी बीवाई क्या लिख देता हूं एओपी मतलब बीओवाई मतलब क्लब ये फुल फॉर्म ही है ना ब्रा या ज्वाइंट वेंचर लिख दो एंड इट्स मेंबर्स आर टू सेपरेट पर्सन आपस में ट्रांजेक्शन किया वो सप्लाई के स्कोप में आएगा <coughs> अच्छा एक और सर्कुलर आता है इसके बारे में अब सर हमने जो ज्वाइंट या क्लब या एओपी बीओ जो बनाई हमने सर इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बेटा जिसको मेंबरशिप फी बोलते बेटा वो सप्लाई होता है जीएसटी के स्कोप में आएगा बच्चों हाँ ना भाई पर मान लो हमने इस बार जो हमने कुछ बड़ा सोचा हमने सोचा है हम मेंबर में एक काम करते एक एक करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं सो करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हैं मुंबई के अंदर और उससे हम अर्निंग करेंगे और वो एक करोड़ जो हमारा क्या कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, मालिक क्या और एक होता है रेवेन्यू नेचर का कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा क्लियर सर कॉन्ट्रीब्यूशन जो जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कैश कॉल क्या बोलते हैं सर ट कैश कॉल इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन नेचर तो ऐसे केस में दैट इज ए प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी और प्योर ट्रांजेक्शन मनी जो है और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर और रेवेन्यू नेचर जो होता है वो सप्लाई के स्कोप में आएगा और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा अरे क्लियर बच्चो हायना भाई डन अच्छा मेंबर ने क्लब को सर्विस दी तो भी जीएसटी लगेगा क्लब ने मेम्बर को सर्विस दी तो जीएसटी लगेगा एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को सर्विस दी है बेटा तो भी जीएसटी लगेगा बच्चों मतलब सब अलग अलग पर्सन है, अपने अपने। सर। <coughs> अच्छा है, तो है खत्म करने के लिए बेटा अदरवाइज मेन क्लोज नंबर ए बी सी है ना बेटा तो डबल ए पढ़ लिया हमने अब इसको बीच में लेकर बताया तो क्लोज नंबर ए क्या बेटा सप्लाई शुड बी फॉर अंसिडरेशन प्लस इट शुड बी हिंदी कोर्स तो ऑफ क्लोज नंबर बी बोलता कोई बात नहीं इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है पर अगर आपने सर्विसेज क्या करी बेटा इम्पोर्ट फॉर ही बिजनेस के लिए हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सप्लाई के इसके ऊपर आएगा इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ इज बिजनेस ओके ओके आई एल एक्सप्लेन नेटफ्लिक्स डॉट कॉम अरे नेटफ्लिक्स आपने सब्सक्राइब किया बच्चों मान लो क्या सब्सक्राइब किया सर नेटफ्लिक्स वीडियो सब्सक्राइब किया बेटा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और सर्विसेज बच्चों क्लियर किस लिए परचेज करी आपने आपने पर्सनल यूज लिए ना यार क्लियर नॉट फॉर बिजनेस पर ऑफ सर्विसेज क्योंकि सर्विस अप्लायर आउट ऑफ इंडिया का रेसिबेंट इंडिया का है पैसा इंडिया से जा रहा है बेटा

सर्विस मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज इसको छोड़ के बाकी और कोई भी सर्विसेज अगर किसी इंडिविजुअल ने या गवर्नमेंट ने अपने पर्सनल या प्राइवेट इंपोर्ट करी है क्या करी बेटा भली फॉरेशन है इट बीन एग्जिमटेड अंडर जीएसटी वाइड मेगा एक्जिम्स लिस्ट इसलिए मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल ही कौन सा दिया बेटा

ओके okay, कोई डाउट बेटा ओके सर शेड्यूल वन में कवर है पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी सप्लाई होगा और एट प्रेजेंट देर आर फोर पेरा फोर आर कवर्ड अंडर शेड्यूल नंबर वन चार ट्रांजेक्शन वहां लिखे बेटा जहां पे वो सप्लाई के में आएगा इवन दोन अरे क्लियर समझा मेरी बात यहां तक हा नहीं सर अब हम क्या पढ़ रहे बच्चा वो फोर ट्रांजैक्शंस, वो फोर पेराज जो कहा कवर है सर शेड्यूल नंबर वन में कवर है सर मैं बुक यहां आपके सामने खोल रहा हूं बेटा सर अपनी समरी बुक बट आपको मतलब केवल रेफरेंस लिए सर मेरे को तो जरूरत नहीं सर आप भी चाहे तो ना देखिए आप मेरी तरफ देखिएगा सर ठीक है आपको लगे कि आपको देखना बुक के अंदर आप देख सकते हो अदरवाइज मैं केवल आपकी कन्वीनियंस लिख रहा हूं बस अच्छा आ, जैसे टेक्सबाइल इवेंट का पॉइंट चल रहा है सर अभी अपना सप्लाई वाला सप्लाई की डेफिनेशन क्लोज हमर ए पढ़ लिया डबल ए पढ़ लिया एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया ये हो गया ये अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा अरे क्लियर सर अब सुनना अब जैसे बीच में ये गुड्स की सर डेफिनेशन और सर्विस की डेफिनेशन नहीं बेटा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर वो मैं अभी नहीं पढ़ा है बेटा वो आप मतलब मेरे को बताया मेरे को आप पढ़ाना है क्या पढ़ाना है सर ठीक है तो इसलिए आप ध्यान मेरी तरफ रखिएगा बच्चों ये अभी हम पढ़ रहे हैं क्लोज नंबर ये शेड्यूल नंबर वन पढ़ रहे हैं बेटा ओके सर इसके ऊपर हमने पढ़ लिया था बच्चों अच्छा सर आप बुक्स में नहीं देखेंगे चल जाएगा बेटा आपका ध्यान पूरा मेरी तरफ होना चाहिए बच्चों ओके सर हम क्या पढ़ रहे हैं सर शेड्यूल वन वो ट्रांजैक्शंस जहां पर कंसीडरेशन नहीं है फिर भी वो क्या है सप्लाई और सप्लाई तो क्या लगेगा बेटा जीएसटी बहुत बढ़िया परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द ऑफ़ बिजनेस दिजनेस अवेल्ड आप कोशिश करिएगा मेरी तरफ ध्यान दीजिए बेटा पूरा परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ दी असट ऑफ बिजनेस वेयर आई टी बीन एज अवेल्ड मतलब अगर मैंने अपने बिजनेस एसेट परचेस किया परचेज करने में आईटीसी लिया और फिर उसको मैंने क्या कर दिया किसी को डोनेट कर दिया भले विदाउट विदाउटेशन था फिर भी सप्लाई के स्कोप में आएगा क्योंकि गवर्नमेंट का कहना क्या है आपने परचेस में क्रेडिट तो ले लिया होशारी और बाद में वो मशीन किसी को डोनेट कर दी तो सर क्रेडिट आप ले रहे हो और सर मशीन कोई और यूज कर रहा है किस बात का किस बात बात का का सप्लाई आपको क्रेडिट दे बेटा इसलिए सप्लाई के स्कोप में डाल दिया आईटी से रिवर्स हो जाएगी सर इसकी क्लियर पर अगर परचेस पर आईटीसी नहीं लिया होता और और डिस्पोज ऑफ किया होता विदाउट कंसिडेशन तो वो सप्लाई के स्कोप में देख मेरी बात सुन मान लो मैंने कोई गुड्स परचेज किया और परचेज में मैंने जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट नहीं लिया था बेटा बिजनेस का सेट था बेटा और फिर मैंने आपको बेचा है वो बेचा है मतलब फोर तो तो वैसे भी क्लोज ए में आ गया ना यार और क्लोज ए क्या बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई

ओके okay? अच्छा ये क्या होता है बेटा हम कई बार पढ़ते पढ़ते क्या भूल जाते हैं हम पढ़ क्या रहे और उसमें इतना खो जाते हैं कि जब क्वेश्चन आता है बेटा तो हम डायरेक्ट यही पूछते क्लोज नंबर सी पे हम भूल जाते ए भी तो है क्लियर ऐसा इसलिए देखो ये चीजें कनेक्ट करना बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है आपको टॉपिक नहीं पढ़ रहे होते वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है तो आपका माइंड एनालिटिकल ऐसा होना चाहिए जहां पे हम एनालाइज एनालाइज कर पाए कि यहाँ पे कौन सा क्लोज लगाना आपने को ठीक है चलो एक बार क्लोज तो मैं आपको चलो बता देता हूं बात निकली कभी भी लाइफ में आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए कि सप्लाई है कि नहीं है सबसे सब पहले जाना कहा पे? क्लोज ए में पहला स्टेप होना चाहिए सर वहां नहीं है तो क्लोज बी या डबल है तो ठीक है सर क्लोज बी देख लीजिए वहां नहीं है तो क्लोज सी में आना यार और वहां पर भी नहीं है ना तो कुछ ना हो पाएगा सप्लाई नहीं है जब सप्लाई नहीं है इज नो पॉइंट ऑफ बोर्ड ऑल ठीक है सर चलिए सर सरकार परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ ऑफ द बिजनेस बीन क्लियर वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा भले आपने परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिया विदाउट फिर भी वो सप्लाई होगा जीएसटी सर अच्छा किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा पढ़ेंगे रूल्स वैसे ओपन मार्केट वैल्यू बेटा हाई ना फेयर वैल्यू जिसको हम बोलते हैं बच्चो क्लियर उस पर लगेगा जीएसटी सर हा मालिक ठीक सर सर क्लोज में भी बोलता है सेकंड प्यारा बोलता है क्या

गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ पर्सन इन दी कोर्स और ऑफ़ हिज बिज़नेस इज सप्लाई और सप्लाई किसको के जीएसटी लग जाएगा अच्छा रिलेटेड पर्सन कौन कौन होता है बेटा तो रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन याद देखा है वो देख लीजिए सर आप रिलेटेड पर्सन कौन कौन होता है सर सर, वैसे रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन देखिए सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में सर, पर हाँ यहां का हमारा वर्ड इसलिए बता रहा हूं मैं आपको सर नहीं चाहिए ओके सर पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन डीम्ड टू बी रिलेटेड एज रिलेटेड इफ सच पर्सन आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस इज पार्टनर्स इन द बिजनेस सच पर्सन आर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय्प्लॉय एम्प्लॉयन कंट्रोल ओन्स और होल्ड एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ दोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बोथ सर पच्चीस परसेंट मतलब मान लो मिस्टर ए है यह है ए लिमिटेड यह है बी लिमिटेड ए के पास पच्चीस तो क्या 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 क्योंकि ट्वेंटी फाइव परसेंट होल्डिंग अपने आप में बहुत बड़ा होल्डिंग होता है यार वो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है प्राइसिंग को अफेक्ट कर सकता है बच्चों इसलिए ए और बी दोनों क्या कहलाएंगे रिलेटेड कहलाएंगे इस केस में ओके okay? सर <coughs>

तो में ए और भी दोनों क्या कहलाएंगे रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे दोनों एक दोनों का बेटा जो थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं दोनों बेटा तो दोनों भी क्या कहलाएंगे रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट है और एक और वर्ड क्या, क्या है? एक और लास्ट पॉइंट क्या है सोल एजेंट सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनर ऑफ द अदर मैं अपनी सारी की सारी गुड्स आपके थ्रू ही बेचूंगा किसी और को दूंगा ही नहीं सर तो सर जब मैं सारा प्रोडक्शन आपको दे रहा हूं एक तरह से तो आप और मैं ट्रांजेक्शन कर सकता ना बच्चे यार इसलिए क्या कहलाएंगे रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे ओके सर फैमिली का मतलब क्या सर ध्यान देना बेटा एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है दो तीन बार यहां से बनाया सर फैमिली फैमिली इंक्लूड्स नहीं बेटा है ना ध्यान रखना सर फैमिली

हमेशा रिलेटेड है भले आप उस पर डिपेंडेंट हो या वो आप पे डिपेंडेंट है या दोनों ही इंडिपेंडेंट है बेटा क्लियर समझे मेरी बात ध्यान देना बच्चे पर ये क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है कि एक पर्सन है उसका ब्रदर आउट ऑफ इंडिया लॉयर है बेटा एडवोकेट है है ना आपने कई बार पढ़ा भी होगा सुना भी होगा सर क्लियर तो सर वो ब्रदर जो लॉयर है एडवोकेट है आप इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हो बच्चों वो भाई है सगा भाई है फिर भी वो रिलेटेड नहीं है कह देना वो भाई तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं फॉर दी पर्पज ऑफ जीएसटी बेटा क्लियर समझे मेरी बात वो रिलेटेड पर्सन के स्कोप में नहीं आएगा ओके okay, मालिक ठीक ये दो तीन बार एग्जाम में आ चुका है आर वगैरह में आ चुका है बच्चों ध्यान दीजिएगा ओके okay, मालिक ठीक सर 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 आओ तो सर

इन दी कोर्स होना चाहिए ओके okay, मालिक अच्छा एम्प्लॉय रिलेटेड क्लियर होगा टेलीकॉम कंपनी ले लो सर जियो आप जियो के अगर आप एम्प्लॉय हो तो हर के घर पर फ्री वाईफाई लग रहा है जियो का पता है आपको मान लो सर <laughs> <laughs> सर अब फ्री वाईफाई लग रहा मतलब कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विस टू एम्प्लॉय दर्सर बिजनेस दैट ऑल्सो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हो गया लग गया जीएसटी बेटा तो यार इस तरह से कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करती है क्लियर और उनको सप्लाई के स्कोप में लाकर जीएसटी तो कहां क्या कहां का इंसाफ इसलिए सर एम्प्लॉय के बेनिफिट लिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम भी तुम्हारे साथ है फिफ्टी यस yes. और बोल दिया क्या पर एन पर एम्प्लॉ फिफ्टी थाउजेंड तक का सप्लाई अगर है तो उस पर जीएसटी uh, नहीं लगेगा सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफिसर बहुत बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय गिफ्ट्स गिफ्ट्स अप टू द वैल्यू ऑफ रूपीज फिफ्टी थाउजेंड पर एनम पर एम्प्लॉय सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे ठीक है मालिक अप टू फिफ्टी थाउजेंड अब मान लो सर वो वाईफाई की जो सर्विसेज थी वो एम्प्लॉय ने इतनी यूज करी बेटा कि सर मान लो मान लो सर कोई प्लान था और उसमें फिफ्टी थाउजेंड जो था वो सात महीने में कंज्यूम हो गया सर उसके ऊपर जो आ रहा है वो वो भी फ्री तो है पर उससे ज्यादा वैल्यू जा रही बेटा तो जो पचास क्रॉस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर जीएसटी लगेगा सर

सर सर एक और बात रखिएगा इनका बहुत अच्छा पॉइंट है एम्प्लॉय को जो गिफ्ट दिया है क्या बेटा गिफ्ट फिफ्टी थाउजेंड पर के के स्कोप पर सप्लाई स्कोप स नहीं आ रहा तो वो एम्प्लॉयर ने वो गुड्स जब परचेज किया होगा उसके परचेज में जीएसटी पे किया तो उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन नंबर सेवनटीन सब सेक्शन फाइव क्लोज नंबर एच है ना सर गुड्स गिवन एज गिफ्ट डिस्पोजल एज अ गिफ्ट और फ्री सैंपल सप्लाई जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता बेटा ओके मालिक गुड सर यहां तक क्लियर बच्चा हाँ पर अगर जीएसटी लग रहा है तो क्रेडिट मिलेगा बेटा ठीक है सर ठीक हाँ बेटा हाँ देखो अल्टीमेटली आपके आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स लग रहा है क्या अगर आपके आउटवर्ट सप्लाई पे टैक्स नहीं लग रहा तो आपने बल्क में परचेज किया होगा सो एम्प्लॉई है सो एम्प्लोई के लिए सो मोबाइल खरीदे हमने मान लो हंड्रेड मोबाइल पर हमने जीएसटी पे किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि हंड्रेड मोबाइल जब हम एम्प्लोई को दे रहे

क्लियर डन समझे मेरी बात आप माहौल सरकार आइए सरकार ये तो था बात किसके बारे में रिलेटेड पर्सन के बारे में बात की मैंने आपसे अब डिस्टिंक्ट पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत बाय पर्सन टू हिज डिस्टिंग पर्सन इन दी कोर्स और फर्द बिजनेस और सप्लाई के स्कोप में आएगा अब सर डिस्टिंग पर्सन का मतलब क्या होता है सेम पेन नंबर पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके है तो वो सारे रजिस्ट्रेशन नंबर आपस में क्या कहलाएंगे पर्सन क्योंकि ऑनर एक ही बेटा इनका पेन नंबर सेम है बेटा आपको पता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर फिफ्टीन डिजिट अल्फा नंबर होता है बेटा फर्स्ट टू डिजिट होता है किसके लिए स्टेट कोड नेक्स्ट टेन पेन फिर सर ब्रांच का नंबर होता है बेटा वन टू थ्री फोर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने बेटा आपके देन सर दो जो होते हैं वो आई टी चेक सम होते हैं बेटा क्लियर सर अब पेन नंबर अगर सेम है मेरा मान लो महाराष्ट्र में एक रजिस्ट्रेशन है अच्छा रजिस्ट्रेशन के बारे में दो तीन बात कर लेता मैं आपसे तो डिस्टिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा आपको सर मेरा राजस्थान मेरा महाराष्ट्र में एक ब्रांच है महाराष्ट्र में एक मुंबई अंधेरी ही यहां पर मेरा रजिस्ट्रेशन है बेटा क्लियर आई एम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अब मेरी मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के अंदर पचास ब्रांच और है तो मेरी चॉइस है मैं चाहूं तो सबका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लू या कुछ का लू या केवल एक रजिस्ट्रेशन लू बाकी मेरी है। पर अगर मैंने ले लिया, सेम में है फिर भी तो वो क्या कहलाएगा मेरे लिए डिस्टिंग पर्सन कहलाएगा क्योंकि इन द आईज ऑफ लो दे आर टू रजिस्ट्रेशन नंबर बेटा भाई वो डिपार्टमेंट वाले मेरे को यशवंगल के नाम से जानते हैं क्या वो तो मेरे नंबर के नाम से जानते बेटा अगर नंबर चेंज हो गया तो अलग पर्सन हो गया बच्चों सिंपल ऐसा याद रखो आप तो सर है हाँ ना क्लियर समझे मेरी बात तो ऐसे केस में डिस्टिंग पर्सन कहलाएंगे वो अगर सेपरेट नंबर लिया तो क्लियर अच्छा ध्यान देना बच्चों हमेशा ध्यान रखना इंटरेस्टेड सप्लाई किया है डिस्टिंग पर्सन को सप्लाई के स्कोप में आएगा पर इंटरेस्टेड ब्रांच ट्रांसफर किया है तो वहां चेक करना कि सर सेपरेट नंबर लिया कि नहीं लिया सेपरेट नंबर लिया होगा तो ही डिस्टिंग पर्सन तो ही सप्लाई के स्कोप में आएगा वरना सप्लाई के स्कोप में पर मेरी एक ब्रांच है कहा राजस्थान में तो सर क्या होगा मालिक वो डिस्टिंग पर्सन के स्कोप में आ जाएगा क्यों आ जाएगा बच्चों दे दे क्योंकि मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है क्लियर मैंने एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है और लेना ही पड़ेगा सर ध्यान देना अगर मेरा मल्टीपल स्टेट में ब्रांचेस है मल्टीपल स्टेट में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उन सारे स्टेट में जहां जहां मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा और ऐसे केस में वो क्या कहलाएंगे बेटा डिस्टिंग पर्सन कहलाएंगे इसलिए मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं महाराष्ट्र में और सर जीएसटी रजिस्टर कहा राजस्थान में इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर किया है क्या क्या बेटा उट कंसिडेशन बट इट इज इन दी कोर्स पर इंटरेस्ट ब्रांच ट्रांसफर करते ही समझना क्या है वो डिस्टिंग की नहीं बेटा बाय डिफॉल्ट डिस्टिंग पर्सन हो गए होगा बेटा और ऐसे के सप्लाई के इसको आएगा और जीएसटी लग जाएगा क्लियर मालिक सर थ्रेश लिमिट की बात करो सर आप थ्रेश लिमिट तो वैसे हम

सर सुना कभी बेटा उसी फ्लैट में तो हम बैठे हैं सर अभी सर, <laughs> सर मंगल एयरलाइंस अब सर कुछ एयरक्राफ्ट्स हमने एयरक्राफ्ट पार्ट्स इंजन कंपोनेंट्स एक्सेसरीज हमने मुंबई ब्रांच के नाम पे खरीद रखे कुछ एयरक्राफ्ट्स कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स इंजन वगैरह हमने दिल्ली ब्रांच के नाम पे खरीद रखे बेटा क्लियर अब सर एक एयरक्राफ्ट जो दिल्ली ब्रांच में था उसका इंजन चलते चलते खराब हो गया बेटा सर, आया, लैंड तो हमने करा दिया बेटा। सर, है कि इंजन वहां खराब हो गया उसके पार्ट्स, कंपोनेंट्स, एक्सेसरीज खराब हो गए वहां पे नहीं थे यहां पे एक्स्ट्रा पड़े थे बेटा क्या करेंगे हम भेज देंगे सर तो हमने स्टेट ब्रांच ट्रांसफर किया ऑफ पार्ट्स कंपोनेंट्स इंजन एटसेट्रा ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम मुंबई ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच बताओ ये सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आवाज आ रही हो पक्का आएगा डन अच्छा परचेज पे जीएसटी पे क्या होगा उनके इंजन वगैरह पे तो उसका आईटीसी मिल जाएगा एक तरह से ट्रांसफर हो, हो रहा है सप्लाई हो रहा है जीएसटी की लाइव आएगी वो आई यूज करने का वहां वो जाएगा और सर वहां पे वो काम ले रहेगा बच्चों हा है ना भाई अच्छा अब यहां से जब हमने वहां भेजोगे इंजिन को बेटा पार्ट्स को कैसे भेजोगे सर कोई ट्रांसपोर्टेशन से भेजोगे ऐसा तो नहीं बढ़ता उड़ता पंजाब गया सीधा सर अब किसी ट्रांसपोर्टेशन मोड से भेजोगे सर हमने ट्रक से भेजे सर या मान लो कोई एयरक्राफ्ट से वहां जा रहा था उसमें भेज दिया सर हमने क्या वो ट्रक भी सप्लाई हो गया क्या या केवल वो इंजन सप्लाई हुआ है पार्ट्स कंपोनेट एक्सरी इंजन सप्लाई हुआ ना यार

कुछ सप्लाई नहीं हुआ बच्चों हाँ ना भाई अरे क्लियर ठीक सर सर यहां तक बात समझे आप अगेन ये भी एक सर्कुलर है बच्चों दो सर्कुलर पढ़ लिया हमने सर तीसरा और सुनो अब सर ये दो आर टू एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट क्यों बताया मैंने ये रहा देखो सर ये एयरक्राफ्ट इंजिन पार्ट कम्पोनेट्स ठीक है ये रहा अभी मोड ऑफ कन्वेंस आपने यूज किया ना सर ये मोड ऑफ कन्वेंस फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर वो सप्लाई नहीं होता है बच्चों अरे मैं कह रहा हूँ सर्कुलर सर, सर मेरे क्लेरिफिकेशन में दिलो ऐसा पढ़ो कि सर अपने आप आंसर आ रहा है हम क्यों याद करें सर इसको जब आप खुद आंसर दे रहे हो तो आप क्यों याद करोगे यार अपना टेक्निक तो ये है सर टॉपिक के अंदर तो इतना अच्छा से पढ़ो समझो कि सर अपने आप चीजें समझ में है अपने आप आप बोलोगे सर ये होना चाहिए मैं कह रहा हूँ गारंटी से वही लिखा होगा सर ओके मलिक चलिए सर इधर ध्यान दो तो। <coughs> सर इधर ध्यान इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक में ध्यान नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ सर आपको पता ही नहीं पड़ेगा अच्छा पढ़ भी लिया क्या आपने सर ओके okay? और वो आंसर भी आप देंगे सर अच्छा जो चीजें आपने सोल्व कर दी है उसको याद करना पड़ेगा क्या सर बस ये टेक्निक हमेशा रखो चीजों को समझो याद करने की कोशिश मत करो सर आप हाँ जो प्रोविजन है उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा सर अपने को पर उसके जो एग्जाम्पल्स है उसको इतना अच्छे से पढ़ोगे आप हमेशा पता है आपके सामने कोई भी केस आता है तो आप उसको सोल्व कर पाए बच्चा ठीक है सर अच्छा अच्छा सुना मान लो एक हम एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी सर हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उसका रिपेयरिंग करते हैं सर अब बड़े बड़े प्लांट में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़ी बड़े जो मशीन्स वगैरह होती है उसको खोल के हालात हो सकते नहीं बेटा हमारे यहाँ पे वो लाएंगे तो पूरा प्लांट बंद हो जाएगा सर तो हमको वहां जाना पड़ता है अब हमको वहां जाना पड़ता है तो रिपेयरिंग की मशीन्स वगैरह बहुत सारी ले जानी पड़ती सर तो हमने क्या किया हुआ है एक एक ट्रक ऐसी बनाई हुई है जिस पे हमने सारी मशीन्स रिपेयरिंग वगैरह की जो होती है बेटा स्पेयर पार्ट्स कंपोनेंट्स क्रेन एटसेट्रा वो सब हमने उस पर इंस्टॉल करी हुई है सर तो सर रिपेयरिंग मशीन ऑन व्हील एक तरह से हा है ना भाई अब सर हमारे क्लाइंट का ऑर्डर आता है हम वो पूरे ट्रक वहां भेज देते दे बेटा क्लियर वो रिपेयरिंग वगैरह करता है उसमें पार्ट्स कंपोनेंट्स जो भी कंज्यूम होते हैं जितना रिपेयरिंग का चार्ज होगा वो सब हम रिपेयरिंग का बिल लिख देंगे बाद में बेटा उसको तो रिपेयरिंग का बिल लिख लो दस लाख रुपए का बेटा अब इसमें कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स एक्सेसरीज भी यूज आई होगी बेटा तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ना यार इट्स अ और पूरा दस लाख क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, हाँ है, है, है मुंबई में भी है और सूरत गुजरात में भी है सर गुजरात नाम सुना बेटा सूरत हाँ अच्छा एक बात और आप हा नहीं बोल पाओ ना बेटा हूं भी चलेगा <laughs> सर <laughs> सर सुनना बात को अब पॉइंट ये कि सर एक ब्रांच मुंबई में एक है सूरत के अंदर गुजरात में ऐसे वो वाला नहीं है। अब ऐसे केस में सर दोनों जगह इंजीनियरिंग कंपनी है दोनों जगह हमने कुछ इस तरह की मशीन हमने इंस्टॉल कर भी मशीन ऊन द्हील पर सर वहां की सारी मशीन ऑक्यूपाइड है सर यहां दो मशीन एक्स्ट्रा है वहां ऑर्डर आया सूरत में उसने बोला भाई वो मशीन तेरी फ्री पड़ी है यहां भेज दे ठीक है साहब हमने यहां से वहां भेज दिया बेटा केवल उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए बच्चों तो क्या वो ट्रक का ट्रक सप्लाई हो गया क्या उसमें जो तो सारी मशीन लगी हुई क्रेन वगैरह सब कुछ वो क्या सब सप्लाई हो गई क्या बच्चों हां उसमें जो आइटम्स कंज्यूमेबल थे बेटा क्या था बेटा जो वहां जाएंगे और वहां से क्लाइंट क्या जो भेजेगा तो वो कंज्यूम हो जाएंगे बेटा वो वापस नहीं आने वाले मेरे पास यार केवल वो सप्लाई हुआ है दर कुछ भी सप्लाई नहीं हुआ है तो आइटम्स जो कंज्यूमर थे जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच गए, इंटरस्टेट वो सप्लाई के स्कोप में, कुछ भी के स्कोप में नहीं आएंगे अरे क्लियर ये भी क्वेश्चन मालिक क्लियर डन हाँ सरकार ये आपको डिस्टिंग पर्सन की कहानी समझ में आई कि नहीं आई सर पक्का पूरा पक्का डन सरकार आइए अगले पॉइंट मारा है ब्रेक तो नहीं दिए बेटा आपको

एंड वाइस ओवर सब लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ठीक है जो लिखा है मैंने बोल दिया कोई खास बात नहीं बताई बताइए अब एग्जांपल दूंगा तो मजा आएगा सर आपको सर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल जब एजेंट क्या गुड्स भेजेगा ये मान लेंगे उसने सप्लाई कर दिया और सप्लाई हो गया तो क्या लग गया जीएसटी लग गया जब एजेंट कस्टमर को देगा तो मानेंगे उसने बेचा कस्टमर को बेटा ठीक है मैं तुम्हें ट्रांजेक्शन सिखाता हूँ तो मजा आएगा देखो जीएसटी से टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन जब तक ट्रांजेक्शन क्लियर नहीं कोई मतलब नहीं सर मान लो मैं क्या बनाता हूं साहब मार्कर्स ये आ गया भाई सर मार्कर्स पुणे महाराष्ट्र मेरी फैक्ट्री का है अरे ये ये मुंबई अंधेरी सर ये अपनी फैक्ट्री है मार्कर बन रहे रोज बेटा अभी ओके सर यहां से मैंने अपना एक एजेंट है पुणे के अंदर वहां भेजा गुड्स अच्छा अब एजेंट में भी क्या होता है अलग अलग तरह के एजेंट होते हैं बेटा है। एक तो एजेंट होता है साहब वो कहीं से मार्केटिंग करके कस्टमर लेके आ रहा है मेरे को फोन करता था सर इतने मार्केट वहां भेज दो मेरा कमीशन ना भेज देना साहब तो यहाँ तो क्या हो रहा है मैं उसके गुड्स भेज ही रहा हूँ सर डायरेक्ट मेरे ऐसे कस्टमर के गुड्स जा रहा है बच्चों क्लियर मैंने डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई किया है गुड्स उसे वैल्यू लूंगा उसी अमाउंट लूंगा बात खत्म बच्चा वो मेरे को कमीशन का बिल लिख देगा वो मेरे को सर्विस दे रहा है बात कर बच्चों हाँ ना भाई या जब गुड्स एजेंट एजेंटिया जा ही नहीं रही तो वहां सप्लाई की बात आई नहीं रही सर क्लियर अब समझना ध्यान से मैंने यहां से गुड्स भेजा कहा पुणे महाराष्ट्र वहां कौन है भाई एजेंट अब वो एजेंट क्या कर रहा है बच्चों? जब कस्टमर को गुड्स बेचता है वो तो खुद के नाम का बिल इशू करता है क्या करता है वो तो मान लो आप कस्टमर हो बेटा आपके पास बिल किसका है बेटा तो एक तरह से आपको आपको गुड्स बेची किसने तो गुड्स वो ही बेच सकता है जब गुड्स उसकी होगी बेटा आप ताजमहल बेच सकते हो क्या बेटा एक्सेप्ट बन बी सर और कोई चीज अपनी होगी तो हम बेचेंगे ना यार तो एजेंट अगर खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है मतलब सर वो सेल कर रहा है वो सेल कर रहा है मतलब जो प्रिंसिपल के यहां से एजेंट क्या क्या वो सप्लाई हो गया है बेटा एक तरह से खत्म केल हो गया सर हो गया खत्म सर तो अगर एजेंट जब कस्टमर को गुड्स बेच रहा है वो खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है खुद के नाम का इन्वेस्ट इश्यू कर रहा है मतलब सप्लाई इंक्लूड्स ऑल दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन एजेंट तो पैसा तो पता नहीं कब देने वाला है सर हा है ना सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू इज एजेंट वेयर बोलो आप वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वो खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है तो मेरे यहां से वहां गया तो सप्लाई हो गया मान लेंगे मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा उसको आईटीसी मिल जाएगा और जब वो बेचेगा तब वो अपना आईटीसी यूज करके लाइवी पे कर देगा बच्चों हाँ ना भाई पर अगर वो एजेंट जब कस्टमर को गुड्स बेचता है तब प्रिंसिपल के नाम का बिल इश्यू कर रहा है तो मान लो आप कस्टमर हो बेटा आपको जो बिल आया किसका आया principal. तो आपने किससे खरीदा है principal. तो एजेंट से तो खरीदा नहीं बेटा आपने भली वो देने वाला गुड्स आपको वो है उसके यहाँ से सब काम हो रहा है साहब पर गुड्स बेचा किसने principal. तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ने कस्टमर को बेच दिया बेटा तो सर ऐसे कैसे प्रिंसिपल से जब एजेंट कहा जा रहा है तो केवल जा रहा है बस भले वो पुणे में हो या राजस्थान में हो इंटरेस्टेड हो इंटरेस्टेड हो डिस्टिंग पर्सन नहीं बेटा मेरा ओके <coughs> गुड्स जा रहा है डिलीवरी चालन के थ्रू गुड्स चला जाएगा कोई सप्लाई नहीं होगा क्लियर सर और जब वो प्रिंसिपल के एजेंट के ऐसे कस्टमर को गुड्स बेचेगा तब प्रिंसिपल के नाम का बिल इश्यू कर रहा है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ने सप्लाई क्या मान लेंगे बच्चों हाँ ना मालिक और वो अपने कमीशन का बिल मेरे को लिख देगा बात खत्म बच्चों क्लियर डन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर

आपने मेरे को सप्लाई कर दी बेटा तो जब ओरिजिनली आपने करी करी तो मानेंगे आपने पेमेंट डायरेक्ट कर रहा हूं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा पर बिल पे नाम आपका लिखाना बेटा आप उसके बिल का क्रेडिट लेंगे आप मेरे को जब भेजेंगे तो मान लेंगे आपने मुझे सप्लाई किया है आप मुझे जीएसटी का बिल लिखेंगे और उस क्रेडिट को आप यूज कर लेंगे बच्चों हाँ है ना भाई क्लियर तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सर पर अगर जब वो थर्ड पर्सन से मशीन खरीद रहा है तो बिल डायरेक्ट मेरा नाम का आ रहा है बेटा

अच्छा एक बात ध्यान रखना इस तरह के जो एजेंट होता है ना सर हु आर सप्लाइंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल जो खुद के नाम का बिल इशू कर रहे बेटा उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है इसमें ट्वेंटी फोर उनको ट्वेंटी लेके के लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता ओके मालिक ठीक सर और सुनना बच्चों ध्यान से अगली बार पॉइंट को मान लो आई एम अ प्रिंसिपल सर एंड महेश भाई यू आर एजेंट प्रिंसिपल ने एजेंट के गुड्स भेजा और एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स टू द कस्टमर अब अगर ये खुद के नाम का बिल इशू कर रहा तो सर मेरे यहाँ से वहां सप्लाई हो गया शेड्यूल वन में कवर हो गया और अगर खुद के नाम का बिल इशू नहीं कर रहा मेरे नाम का बिल इश्यू कर रहा तो मेरे यहाँ से वहां जाएगा तो सप्लाई नहीं हुआ तब सप्लाई मैं कर रहा हूं कस्टमर को मान लेना बच्चों बचो हा ना भाई मान लो आप डेल एजेंट बेटा कौन हो सर आप डेल क्रेडर एजेंट डीसीए कोनो मालिक डेल क्रेडर एजेंट सर्कुलर है सर मैं चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप आंसर दें मेरे को मैं तो आपके सामने केस प्रेजेंट कर रहा हूं अच्छा डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है डेल क्रेडर एजेंट प्रिंसिपल को पेमेंट का एश्योरेंस देता है या पेमेंट मेरे को कर देता है बेटा अब ये कस्टमर को भले उधार दे अपना लोड नहीं इसकी वजह से इसको कुछ कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाता है सर क्लियर

कि जो आप बिल कस्टमर को लिख रहे हो उसमें एक करोड़ पे जीएसटी लगेगा या वन करोड़ थ्री लाख पे लगेगा अभी आंसर नहीं चाहिए एक करोड़ पे लगेगा या एक करोड़ तीन लाख पे जीएसटी लगेगा तो ये डिपेंड करता है कि एक एजेंट शेड्यूल में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा अगर इस डेल क्रोल एजेंट ने जो कस्टमर को बिल लिखा वो मेरे नाम का बिल लिखा है तो कस्टमर ने कस्टमर ने गुड्स खरीदा किससे बिटाइक तरह से मेरे से मेरे से एक करोड़ में उसने खरीदा है बेटा एक करोड़ उसके पास पेमेंट था नहीं देने को को मेरे के एक तरह से उधार ले लिया बेटा तो एक तरह से आपने एक करोड़ का उसको लोन दिया आपने कुछ गुड्स तो बेचा ही नहीं सर उसको गुड्स तो मैंने बेचा उसको सर तो एक करोड़ का आपने उसको लोन दिया और लोन देने पे आपने उसको क्या दिया आपने उससे क्या लिया इंटरेस्ट और आपको बताया मेगा एग्जीबिशन लिस्ट में लिखा है क्या किसी भी सर्विसेज बाय ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट्स इन सो फार इज देश जीएसट कस्टमर लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा 1 करोड़ जीएसटी लगेगा डायरेक्ट मैं चार्ज करूंगा को कस्टमर को बच्चा हाँ ना भाई केस नंबर 2 अगर ये शेड्यूल इन हिज ओन नेम इफ नेम तो सर एक तरह से मेरे यहां से जब एजेंट क्या जाएगा तो हो गया बेटा तो सर मैंने तो सप्लाई कर दिया वैल्यूशन रूल के आप जब कस्टमर को बेच रहे हो तो खुद के नाम का बिल इशू कर रहे हो बेटा खुद के नाम का बिल इशू कर रहे मतलब यू आर सप्लाइंग गुड्स टू कस्टमर और कस्टमर साहब आप एक करोड़ के साथ साथ क्या ले रहे हो बेटा थ्री इंटरेस्ट वैल्यूएशन के सेक्शन में फिफ्टीन सब सेक्शन टू क्लोज में डी में लिखा हुआ है क्या एनी uh, सर एनी

क्लियर पक्का डन और फर्स्ट सर्कुलर में अपने एग्जाम्पल में बता चुका बेटा आप आपको बताइए वापस बोलता था बेटा मैं डेल कर एजेंट सुनना कस्टमर को अगर जब एजेंट गुड्स बेच रहा है कस्टमर को अगर एजेंट गुड्स बेच रहा है और बिल मेरे नाम का इश्यू कर रहा है प्रिंसिपल के नाम का बिल इश्यू कर रहा तो कस्टमर को गुड्स बेच कौन रहा एजेंट बेच रहा है क्या अच्छा प्रिंसिपल को तो एक करोड़ रुपए मिल गया इसने दे दिया बेटा अब जब कस्टमर इसको पेमेंट करेगा तो एक तरह से कस्टमर के लिए ये तो सप्लायर नहीं है बेटा सप्लायर तो मैं एक तरह से कस्टमर को एक करोड़ का लोन दिया क्योंकि मेरे को का पैसा चाहिए था एक करोड़ रुपया इसने लोन दिया उसके अगेंस्ट में इसको क्या मिला इंटरेस्ट मिला बेटा तो जो इंटरेस्ट रिसीव होता है लोन देने पर उस पर जीएसटी नहीं लगता है मैं बेटा क्लियर पर यही अगर ये आदमी खुद सप्लायर होता

ये था आपका शेड्यूल शेड्यूल वन थ्री कुछ आ रहा है कि जा रहा है पक्का ना सर सर देखो अल्टीमेटली लेक्चर आप लोगों के लिए है सर मैं आपको यह बताने नहीं आया कि मेरे को कितना आता है <laughs> ना आप मेरे को जज करने आया सर कि मेरे को कितना आता है क्लियर अल्टीमेटली क्या है पॉइंट आपको आना चाहिए बेटा आपको समझ में आना चाहिए बच्चों ठीक है देखो आ, मैं कोशिश कर रहा हूं <coughs> कि कम से कम टाइम में हम मैक्सिमम चीजें कवर कर पाए ठीक है बच्चों, ठीक सर सर आइए पेरा नंबर फोर पेरा नंबर फोर हम क्या पढ़ रहे हैं? शेड्यूल वन सेक्शन नंबर सेवन सी विदाउट कंसिडरेशन वाला ट्रांजेक्शन सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्या मालिक ए, ये हमने पढ़ा यार इम्पोर्ट ऑफ पढ़ा हमने वेदर इन सर्विसन कोर्स ऑफ विदाउट कंसीडरेशन फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और योर अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस देखो जहां रिलेटेड वर्ड आ जाए वहां इन दी कोर्स और फर्द ऑफ बिजनेस तो आएगा ही आएगा नहीं तो दो भाई आपस में बात कर रहे हैं लग गया जीएसटी है <laughs> ना भाई समझे मेरी बात सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन इन दि कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन इज सप्लाई ऑल दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन मान लो हमारी एक, एक ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है London में है सर हमारी ब्रांच है सर तो हमारा ही अदर एस्टेब्लिशमेंट हो गया बच्चा वो अब वो क्या वहां लीगल प्रैक्टिस करते वो लोग और हमारे कस्टमर हमको पेमेंट नहीं कर रहे बेटा कोई डिस्प्यूट हो गया साँग? तो वहां से लीगल नोटिस भेजा पे हमने उनसे बनवाया लीगल नोटिस और उसने हमसे कोई फीस चार्ज नहीं करी तो सिंस दे आर अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बेटा हमारे बच्चा इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया बच्चों इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस बच्चा ये क्लियर ऑल विदाउट विदाउटेशन सप्लाई होगा जीएसटी लग जाएगा अच्छा मैंने जानबूझ के मेरी दूसरी फर्म का एग्जाम्पल लिया कई बार एमसी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है क्या मेरा ब्रदर है आउट ऑफ इंडिया बेटा वो एडवोकेट है वो लॉयर है यही क्वेश्चन अगर ये होता तो क्या करते बताओ चलो सर मेरा एडवोकेट है सर क्या है सर एडवोकेट uh, मेरा ब्रदर है सर जो एडवोकेट है आउट ऑफ इंडिया बेटा लंडन में सर उसने लीगल नोटिस भेजा मेरे किसी क्लाइंट को सर डिस्प्यूट हो गया सर उसके लिए बताओ सप्लाई है कि बच्चा मेरे लिए पर नहीं है क्योंकि वो मेरा भाई है मेरा भाई मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है भाई याद है भाई को बोल देना तू मेरा रिश्तेदार नहीं है फॉर दर्पज ऑफ जीएसटी ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ग्रैंड ब्रदर ग्रेंड पेरेंट्स वो आपके रिलेटेड तभी जब आपके वो होली और मेली डिपेंडेंट हो बेटा हा है ना भाई वो डिपेंडेंट नहीं तो रिलेटेड नहीं क्लियर समझे मेरी बात yes, यस यही तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार क्योंकि वो लॉयर है एडवोकेट मतलब आप 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 डिपेंडेंट नहीं अपना बिजनेस करो वो अपना बिजनेस करा कहा डिपेंडेंट बेटा क्लियर समझे मेरी बात हाँ अगर क्वेश्चन वर्ड लिखता क्या ब्रदर नहीं रिलेटेड पर्सन लिखता था बेटा तो बात खत्म हो जाती भैया

पर्सन फ्रॉम इज रिलेटेड पर्सन और अदर आउटसाइड इंडिया के लिए एक चार्ड भी दे रहेगा सर आप चाहे तो देख लीजिए आपको इम्पोर्ट ऑफ सर्विस तो दिमाग लगाना ही मत अगर विद कंसिडरेशन है ना बेटा तो हिंदी कोर्स और, और बिजनेस हो या ना हो सप्लाई के स्कोप में आएगा बस एक बात ध्यान रखना पर्सनल यूज के लिए आपने इंपोर्ट करी तो केवल ओआईडीआर पे टैक्स लगा रखा है बाकी सबको क्या है ये एडिशनल बताया मैंने आपको मेगा एक्सिमिशन को कनेक्ट करते हुए बेटा ठीक है मालिक अच्छा इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन बेटा अच्छा ये शेड्यूल में तभी कवर होगा अगर रिलेटेड पर्सन या अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेट आउट इंडिया प्लस इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस तो सप्लाई के स्कोप में आएगा वरना अदर केसेस के स्कोप में नहीं आएंगे क्लियर क्लियर डन ये सेक्शन सेक्शन नंबर सब पूरा खत्म होता है अब Clear, अच्छा सुनो रे रहे ओशारी हमने जो पढ़ा है ना सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए डबल ए बी सी सबसे भारी पॉइंट यही सर सप्लाई में आता ही यही है बेटा

तो वहां फिर एग्जाम में क्या होता है क्लिक नहीं कर पाता हमारा है, है। जिंदगी में कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि बताओ ये सप्लाई है कि नहीं है तो डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना क्या सेक्शन नंबर सेवन का क्लोज नंबर ए डबल ए बी सी है तो हा नहीं तो ना एग्जाम्पल दू बेटा मान लो मैं क्या बनाता हूं बेटा दबाई दबई मेडिसिन आई एम अ मेडिसिन मैन्युफेक्चरर दवाई बनाता हूं साहब मैं आई एम अक्चर आई एम अ फार्मास्यूटिकल कंपनी और जो मैं दवाई बनाता हूं उसके प्रमोशन के लिए उसकी मार्केटिंग के लिए उसके कुछ सैंपल्स फिजिशियन सैंपल्स मैं डॉक्टर्स को भेजता हूं साहब होता है ना सर दस लाख की दवाई मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मैं मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जिसने दवाई बनाई है उसने डॉक्टर्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दी साहब मेरा क्वेश्चन ये कि उस दस लाख की दवाई पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर पता है एक बार तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया बेटा क्या होगा बता नहीं सर ये क्या पूछ लिया अब सेकंड थिंग हमारे दिमाग में था यह तो यस या फिर नो ऐसे नहीं सर ऐसे नहीं मैंने क्या बोला आपसे ये इस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा दिस इज द क्वेश्चन तो पहले चेक करो सप्लाई है कि नहीं साहब देखते ना आराम से जल्दी क्या आपने को सप्लाई है कि नहीं सर सेक्शन नंबर कियावन में देख लो सर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन क्या बोलता है मालिक सप्लाई इंक्लूड क्लोज ए सप्लाई शुड बी फॉर अ प्लस इन दी कोर्स फर्द बिजनेस कंसिडरेशन नहीं बात खत्म

तो उसके पे जीएसटी पे करके उसका क्रेडिट लिया था बेटा मैंने मैं तो दवाई बनाई है यार <coughs> तो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ ऑफ द बिजनेस उसमें कवर नहीं बेटा हाँ, इसके इनपुट वगैरह मैंने क्रेडिट लिया होगा बेटा वो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ जाएगा अलग बात है सर पर वो इनपुट मैंने डिस्पोज ऑफ नहीं किया मालिक मैंने इनपुट केमिकल किया होगा कोई पाउडर परचेज किया होगा मैंने दवाई बनाई है और दवाई मैंने परमानेंट डिस्पोज ऑफ करी बेटा तो वो पैरा नंबर वन में कवर नहीं होती है

कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं अच्छा आंसर अपने आप अप आएगा नहीं आए बच्चों यार yeah. क्लियर अच्छा जल्दी आंसर आपका आएगा पर थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे तो आ जाएगा सर समझा मेरी बात प्रैक्टिस किसकी ये प्रोविजंस की सर प्रोविजन क्या फास्ट फ्लो होंगे आपके माइंड में अगर आपको चीजें आती है तो बेटा हा ना तो आप आंसर क्या फास्ट आएंगे अभी आप आंसर फास्ट निकालने की कोशिश मत करिए प्रोविजन को रिपीट करिए अपने दिमाग में जितनी बार रिपीट करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा बेटा अपना क्लियर और आंसर आ जाएंगे बेटा हाँ है ना भाई क्लियर पक्का डन पर डायरेक्ट आंसर याद नहीं करने का ठीक है याद करोगे तो कब तक याद रह पाएगा यार ठीक है भाई फॉर्मूला ऐसा रखो दिमाग के अंदर उस को कर पाए अच्छा अब सुनो वो दवाई पे कोई जीएसटी नहीं लग रहा तो उस दवाई के सैंपल दस लाख रुपए की जो दवाई बनाई मैंने उस सैंपल को बनाने के लिए जो इनपुट वगैरह काम आए होंगे उसका मेरे को प्रपोशन ए का करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा सेक्शन नंबर सेवनटीन सब सेक्शन फाइव क्लोज नंबर बी क्लोज नंबर एच सेवनटीन फाइव एच हा है ना भाई क्लियर गुड समझे पक्का बच्चो डन ये सर्कुलर है सर दिस इज अर्कुलर जो चैप्टर नंबर फाइव में दे रखा है तो सर मैंने यही आपको समझा दिया बात आई तो क्लियर डन सरकार सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन अब आप कहे तो एक छोटा सा ब्रेक ले ले, ले सर हम yes, ब्रेक लेके ले सर अच्छा आ, आ, ब्रेक कौन सा लंच ब्रेक लेना है क्या करना है रे लंच ब्रेक ले ले या एक शॉर्ट ब्रेक ले शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक ले सर एक अच्छा चलो पहले अपन रिवर्स चालू करते हैं। है लंच ब्रेक कब करना है ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे नहीं सर अभी लंच ब्रेक नहीं किया तीन घंटे तीन बजे ऐसा नहीं सो टू ओ क्लॉक विल हैंच ब्रेक पर उससे पहले छोटा ब्रेक और लेते सर हम अच्छा ठीक है तो आप लोगों के लंच ब्रेक चालू होता है अब अच्छा कितनी देर का ब्रेक है लंच ब्रेक है सॉरी शॉर्ट ब्रेक कितनी देर का ब्रेक नहीं नहीं 15 मिनट्स रखो आराम से मुझे पता है पांच मिनट बोलने क्या होता है केवल सर <laughs> अपने वही टाइम रखो जिसमें हम शुरू कर पाए बेटा आप लोग आ पाओ ओके सो so, 15 मिनट्स में हम शुरू करें वापस से बेटा सो प्लीज बी ऑन टाइम और हाँ जो वीडियो लेक्चर में प्लीज है क्लिक ऑफ दिस स्लाइड बेटा चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद माहौल